हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बेल कंपनी के मार्केट में। हालांकि अभी क्वार्टरली वन रिजल्ट्स आ चुके हैं जो जिसका इंतजार सबको था, तो इस रिजल्ट्स के आने के बाद आपको इस शेयर के अंदर किस तरह के डायरेक्शनल ट्रेड आपको अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है या फिर लोअर के प्राइस के अंदर आपको जाते हुए देखने को मिल सकता है, तो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वार्टरली बेसिस पर, तो कंपनी की जो क्वार्टरली बेसिस पर जो रेवेन्यू है उसमें आपको 59% का यहाँ पर आपको फॉल होते हुए देखने को मिला है। दैट इज, और वो हो चुका है 2723 करोड़ रुपीज़। कंपनी ने लॉस जनरेट किया है 448 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1036 करोड़ रुपीज़। सो अभी भी कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आया है, तो मेरे हिसाब से और इसमें आपको फॉल देखने को मिल सकता है एज़ पर द कंपनी रिजल्ट। दैट इज क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और जो पिछला क्वार्टर था उसमें भी कंपनी ने इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो हम वेट करेंगे कि कब कंपनी के रिजल्ट्स जो है उसमें आपको एक अच्छा सा यहाँ पर अपटर्न देखने को मिले। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस की हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू 43% बढ़कर हो चुके 2723 करोड़ रुपीज़, बट कंपनी का पिछले साल जो लॉस था वो था 893 करोड़ रुपीज़, जो कि इस साल हो चुका है 448 करोड़ रुपीज़। सो हम वेट कर सकते हैं कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आपको एक अच्छा सा यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिले, तब हम इस कंपनी में एक अच्छा सा नया निवेश कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलेशन की बात करो तो 20,962.02 करोड़ का इसका इस कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 2 रुपीज। बीटा है इसका 1.35 और फेस वैल्यू है शेयर की 2 रुपीज़। बीटा 1.35, इट मींस कि अगर समझ लो इंडेक्सेस के अंदर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.35% का यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो प्राइस टू बुक है इसका 0.79 और बुक वैल्यू शेयर की 76.06 रुपीज़। करंटली आप देख सकते हो 2018 एज वेल एज 19 में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टेगनेंट था, बट 2020 में आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी आपको यहाँ पर फॉल होते हुए देखने को मिले बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बट कंपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड, दैट इज लॉस जनरेटिंग कंपनी यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। एज वेल एज जो कंपनी का 2021 में जो रेवेन्यू है टॉप लाइन है उसमें भी आपको इस साल फॉल देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, एज वेल एज जो कंपनी का लॉस है वो भी आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में नजर आ रहा है। सो हम यहाँ पर वेट जरूर करेंगे कि अच्छा यहाँ पर आपको कोई अच्छा क्वार्टर मिल जाए ताकि हम एक अच्छा सा निवेश इस कंपनी में कर सके एज अ न्यू इन्वेस्टमेंट। करंटली 59.4 पे, दैट इज 1.33% की गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दी है। मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि इस क्वार्टर में कि एक रिजल्ट जो है कंपनी का, दैट इज बेल का, वो थोड़ा अच्छा आ सके, बट कंपनी का इस क्वार्टर में भी रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव आया है, तो मेरे हिसाब से और आपको इस शेयर के अंदर आपको और ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको बेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी, जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट्स आए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी या फिर इस कंपनी के जो अभी जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट्स आए हैं वो उसके रिलेटेड अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।